या ये जो मांग है ये सामूहिक तो रही नहीं, ये हो गई व्यक्तिगत से कम की बात हम कर रहे हैं। 8 से 10 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सीधा फायदा हो, कि आपके हाथ में वो चीजें थी, अपने हरकतों के कारण हमने उसको गवा दिया। जो अपने अधिकार के लिए लड़ी नहीं सकते वो दूसरे के लिए क्या लड़ेंगे, सोसाइटी के लिए आपसे क्या उम्मीद किया जा सकता है, आप खुद के लिए तो खड़े नहीं हो पा रहे हो। ये रिग्रेट तो हमें नहीं होगा कि हम आपके साथ खड़े नहीं थे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप लोग कुछ दिनों से लगातार कमेंट कर रहे हो कि आप बीपीएससी 42 के मुद्दे पे कुछ आपका वीडियो नहीं आ रहा या एक्टिव ग्रुप में नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है एक्टिव नहीं होने का। दरअसल अब ये जो लड़ाई है ना, या ये जो मांग है, ये सामूहिक तो रही नहीं, ये हो गई व्यक्तिगत। तो जो भी है, जहां भी अपना प्रयास कर रहा है, सब इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है, क्योंकि ग्रुप नाम का कोई चीज नहीं है और समूह नाम का कोई चीज नहीं। इससे आप भी डिनाई नहीं करेंगे। मैंने भी कुछ स्टूडेंट को एन कॉलेज बुलाया था, 2 स्टूडेंट आए थे गांधी मैदान के पास, स्टूडेंट्स को बोला गया था आने के लिए। आई थिंक 20-22 स्टूडेंट आए थे, उसमें भी 5-6 मुंह छिपा रहे थे। स्थिति है। और कमोबेश अगर हम बात करें तो अगर 5 साल एक्सटेंड होता है तो कम से कम की बात हम कर रहे हैं 8 से 10 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सीधा फायदा हो, और 100 भी नहीं आ रहे। अगर कहा जाए चल के किसी को भी कि हमारा ये डिमांड है, हमारा ये मुद्दा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा चाह रहे हैं, वो पूछेंगे कितने, तो पीछे कितने दिखेगा, 2, 4, 5, 10, क्या इतने ही चाह रहे हैं? और कमाल की बात आपको मालूम है, और इसके अलावा ग्रुप में कई स्टूडेंट, 1000 से ऊपर स्टूडेंट तो हैं। अगर ठीक से ग्रुप को आप देखो, अगर आप उस ग्रुप में हो, तो 8, 10, 12 ऐसे लोग हैं जो एक्टिव है। एक्टिव मतलब वो हद लेवल के एक्टिव है, और उसमें 2-3 को छोड़ दिया जाए तो किसी को मैक्सिमम एज से कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, क्योंकि कोई 32 का है, कोई 33 का है, कुछ इसी अप्रोक्स का, तभी उनके पास पूरा अटेम्प्ट है। और ऐसा भी नहीं कि बार लास्ट है कि वो भी डर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इवन जो गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान पहुंचे भी थे, उसमें से भी कुछ स्टूडेंट जो है उनका स्टार्टिंग ही हुआ है, 20-21 साल 22 साल के बच्चे हैं, तो उनको भी कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको लगता है ये जेन्यून है, तो वो जब मांग के लिए जब जगह पे बुलाए गए तो वो आ गए। ट्विटर पे हाल आप देखेंगे तो जितने लोग वीडियो में कमेंट करते हैं ना, अलग अलग टीचर्स पे जाके, हमारे पे या किसी पे भी, उन कमेंट्स की संख्या ज्यादा है, उस कमेंट्स के आईडी की संख्या ज्यादा है, लेकिन जब ट्विटर कैंपेन को देखोगे तो 20-22 हार्डली 25-30 नहीं पूरा होगा, 30 ऐसे अलग आईडी नहीं है जिससे ट्वीट हो रहा हो। तो जब 30 लोग ट्वीट नहीं कर पा रहे, उससे ज्यादा स्टूडेंट ट्वीट नहीं कर रहा, 20 से अधिक लोग इतने बुलाने पे, आपको ग्रुप में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमाल के हैं, पर्सनली कॉल किया, नंबर लिया सबका, कॉल किया, रिक्वेस्ट किया, और स्थिति क्या थी, इतने लोगों से बात करने के बाद 20 लोग पहुंचे, 22 लोग पहुंचे, जो भी ऐसा ही था। तो इसका मतलब तो कंफर्म है कि ये जो डिमांड है ये सामूहिक नहीं रही, क्योंकि समूह को नहीं चाहिए, एक बड़े हिस्से को नहीं चाहिए। आई थिंक कुछ ऐसा ही होगा। आप में से बहुत सारे हीरो बनते हो यूट्यूब पे आके, डिमांड एज बढ़ना चाहिए फलाना ढिमाका। पटना में स्टूडेंट्स की कमी है, आपको पता है, उस 20-22 स्टूडेंट में जहां तक मेरी जानकारी है कुछ गुजरात से भी आए थे, कुछ बाहर, जो कि मैंने मना किया था कि बिहार के बाहर के स्टूडेंट नहीं आइए, अगर बिहार में स्टूडेंट सफिशियंट है, अगर यहां से नहीं बात बनती तो बाहर जाने का कोई वर्थ नहीं है, और वो लोग बाहर से आए थे। अब सीधा आए, अचानक आना पड़ा तो टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ होगा, वैसे ही आए होंगे, आप सोचो कितना कष्ट में आए होंगे, लेकिन यहां पे उनको क्या मिला। तो अब ये जो आपकी लड़ाई है ये सामूहिक नहीं रही, ठीक है, या मांग सामूहिक नहीं रही, फिर से मैं कहता हूं व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास जारी है, नो डाउट। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ वीडियोस नहीं डाले हैं या ग्रुप में मैं एक्टिव नहीं हूं तो इसको लेकर सो गया। गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी थी ना, 1920 लड़ा, 1930 लड़ा, तो 1930 की जब हुई थी लड़ाई, तो उसके बाद फिर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। तो वही हाल कहीं है कि व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलना, स्टूडेंट की डिमांड रखना, ये प्रयास जारी है, क्योंकि समूह तो बन नहीं पा रहा,
ऐसा तो नहीं कि बुलाने पे 200 लोग आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेस से करना था, ऐसा तो ये भी नहीं था कि आपको जाके तोड़ फोड़ करनी है या कुछ करना है, सिर्फ डेलीगेशन के रूप में जाना है ताकि सामने वाले को भी लगे कि नहीं ये स्टूडेंट का तबका है जिसको ये चाहिए। नहीं, और ये तो प्रूफ है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं ये बात वैसे ही कह रहा हूं। ये जो मैंने जितने फैक्ट्स रखे कि इन कॉलेज में मैंने बुलाया था, दो लोग पहुंचे थे, गांधी मूर्ति गांधी मैदान के आसपास 20-22 लोग पहुंचे थे, ये फैक्ट है ना। और ये भी फैक्ट आप मिला सकते हो कि उस लगभग 1500 प्लस स्टूडेंट ग्रुप में है और उसमें 8 से 10 लोग एक्टिव है, जाके ग्रुप में चेक कर लीजिए। अगर आप YouTube पे देखेंगे तो कई कमेंट्स आएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे क्या क्या नहीं कर देंगे, हो क्या रहा है। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। ये अगर एज नहीं बढ़ा, यदि एज नहीं बढ़ा हम लोग के काफी कोशिश करने के बाद, तो इतना यकीन मानिएगा कि मतलब नहीं कहते हाथ में आया हुआ चीज चला जाना, तो कुछ ऐसा ही है कि ये चीजें, ऐसा नहीं था कि ये पूरा नहीं हो सकता था, 100% पूरा हो जाता, लेकिन यदि पूरा इनकेस नहीं हुआ तो बस यही मान लेना कि आपके हाथ में वो चीजें थी, अपने हरकतों के कारण हमने उसको गवा दिया। इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बड़ा ही जेन्यून है, किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाए, हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। अगर कोई स्टेट नहीं देता तो हम भी डिमांड नहीं करते, लेकिन जब सबने दे रखा है तो फिर बिहार क्यों, मेरा सवाल ये है। और मैं यही इसी ग्राउंड पे हम बिहार में 42 कम से कम की बात कर रहे थे। अब उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी परिस्थिति के कारण नहीं दे पाए, एज निकल गया जो भी हुआ, या एक दो अटेम्प्ट नहीं हो पाया उनका, तो वो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो इट मीन्स ऐसे लोगों को जाना चाहिए प्रशासन के अंदर। लेकिन ऐसे लाखों की संख्या है जो बस भीड़ है, तो ऐसे भीड़ वाले स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ना बने तो बेहतर है, ये भी एक एंगल है, क्योंकि वो तो एक तरह से मरे हुए हैं ना, जो अपने अधिकार के लिए लड़ ही नहीं सकते वो दूसरे के लिए क्या लड़ेंगे। ये आपकी लड़ाई थी, ये आपकी मांग थी और आपकी आपका जेन्युइन मांग था, उसके लिए मोबाइल पे घंटों रील्स देखे और एक ट्वीट नहीं कर पाए आप, जब आपको बुलाया गया था आप पहुंच नहीं पाए, तो इससे ज्यादा क्या उम्मीद, सोसाइटी के लिए आपसे क्या उम्मीद किया जा सकता है, आप खुद के लिए तो खड़े ही नहीं हो पा रहे हो। ऐसे लोगों को जिंदा कहना क्या सही होगा, बस सांस लेता हुआ एक डेड बॉडी है जो चल रहा है, यही कहा जा सकता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। एटलीस्ट ये रिग्रेट तो हमें नहीं होगा कि हम आपके साथ खड़े नहीं थे, ये रिग्रेट मुझे नहीं होगा, ये रिग्रेट उन स्टूडेंट्स को भी नहीं होगा जिनका अटेम्प्ट भी चला गया और तब भी अपने डिमांड के लिए अड़े हुए थे, ये रिग्रेट उनको होगा जब वो भी इस स्टेज में आएंगे और उनको लगेगा कि उस समय अगर कोशिश किए होते तो मिल गया होता, उनको रिग्रेट होगा इस बात का। खैर, हम लोग अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर, प्रयास चल रहा है, बट अब क्या होता है ये नहीं पता, जो भी होगा अगर तो नोटिफिकेशन में आ जाएगा, अदरवाइज अब इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस और बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वही मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सामूहिक मुद्दा नहीं है, व्यक्तिगत मुद्दा बन गया है अब तो, व्यक्तिगत स्तर पे सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं, तो अब उसको अपडेट करने की बार बार जरूरत आई थिंक नहीं है। झूठ मूठ के आप कमेंटबाजी कीजिएगा और जो स्टूडेंट जिनका एग्जाम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आप भी आराम से पढ़िए, जो होना है होगा, हम लोग लगे हैं, जितना कर सकते हैं करेंगे, बस यही कहना चाहेंगे। बस कोशिश ये कीजिए कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कितना चलाओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।